जी अस्सलाम वालेकुम प्रिय स्टूडेंट्स जी, बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर। बच्चे आपका 3 है, एक्सरसाइज आपकी 3.2 है और क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 7 है कि अगर वाई और एक्स में तगयर मक़ूस हो तो, और ये तगयर मक़ूस है इनके दरमियान बच्चों एक्स और वाई के दरमियान है, और अगर वाई बराबर आपका 7 के हो जबकि एक्स बराबर आपका 2 के हो तो बच्चों आपने इनके दरमियान रिलेशन पहले कायम करना है, फिर बच्चों आपने वाई की कीमत निकालनी है जबकि एक्स आपका बच्चों दिया गया हो बराबर हो 126 के हो। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये इनके दरमियान एक्स और वाई के दरमियान तगयर रास लिखना है, तो जिसको इंग्लिश में बच्चों हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उनके कहने का मतलब बच्चों ये कि वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एक्स के, इस तरह बच्चों करके लिख लें, या आप अगर इसको इस तरह लिख लें एक्स 1 ओवर वाई के लिख लें, दोनों सूरत तो बच्चों आपका ठीक आएगा और आंसर भी आपका ठीक है बच्चों, ये आपका मेथड भी ठीक है, क्योंकि मतलब ये है कि एक्स और वाई, चाहे वाई को पहले लिख लें चाहे एक्स को पहले लिख लें, दोनों सूरतों में आपका आंसर भी ठीक आ जाएगा, तरीका बच्चों आपका ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमने प्रोपोर्शनल की अलामत को खत्म करना है, तो प्रोपोर्शनल की अलामत को जब भी खत्म किया जाता है तो कौन को कांस्टेंट लिया जाता है और बराबर की अलामत लगाई जाती है, तो इस तरह बच्चों आपका रिलेशन ये वाला बन जाएगा, तो इस तरह मुसावात बच्चों आपके इसको नाम देंगे ए के, इसको बच्चों कर लें तो इस सूरत में भी आपका वही आ जाएगा, तो इस तरह आपका बच्चों आ जाएगा एक्स बराबर आपके आ जाएगा के ओवर वाई के। इसमें बच्चों ये इनकी जगह बदल सकते हो, आपका सेम यही बनता है, सूरत में कर ले या सूरत में कर ले, दोनों सूरतों बच्चों आपका ठीक हो जाएगा। अब बच्चों आपने मुसावात ए में कीमतें दर्ज कर देनी है, कीमतें बच्चों जो ऊपर दी गई आपकी मुसावात ए में बच्चों आप लिखना है वाई बराबर 7 के, ये आपके दिया गया था, जबकि एक्स बराबर बच्चों आपके दिया गया था 2, ये आप दर्ज कर दें, दर्ज करने से ये रखने से लिख ले दोनों सूरत में आपका बच्चों ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों एक्स की देखे वाई की कीमत आपके पास 7 है और के की कीमत ये बच्चों आपने मालूम करनी है जबकि एक्स कीमत आपके पास है जी 2, तो इस तरह बच्चों 2 को हम दोनों तरफ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, के की कीमत बच्चों आपके निकलती है 14, तो ये वाली के की कीमत बच्चों आपने मुसावात जो ए में दर्ज कर देनी है, तो मुसावात ए में के की कीमत दर्ज करने से, तो ये बच्चों कीमत अगर हम के की दर्ज कर दें तो वाई बराबर आपका आ जाएगा 14 बटा एक्स के, तो ये बच्चों इनका रिलेशन कायम हो जाता है और इसको हम नाम दे देंगे मुसावात बी में। अब देखिए वाई की कीमत आपने निकालनी है, वाई बराबर आपका 14 बटा एक्स आ गया बच्चों, बड़ा ही आसान है, तो मुसावात बी में बच्चों आप दर्ज कर देंगे किसकी कीमत, आपने बच्चों ये एक्स की कीमत दर्ज कर देनी है, तो मुसावात बी में एक्स बराबर 126 दर्ज करने से या रखने से दोनों सूरत बच्चों आपका ठीक है, वाई बराबर यहाँ पे बच्चों आपके लिखे है 14 और एक्स कीमत आपके पास है 126, तो इसको बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आता है 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरह बच्चों आपका आता है 1/9, वाई की कीमत आपकी निकलती है 1/9, कैलकुलेटर से बच्चे आप इसको काट सकते हैं, या 14 को बच्चों भाड़ा पड़ेंगे तो 126 आपका 14 × 126 होता है, तो ये बच्चों आपका आंसर है, वाई की कीमत ही आपने निकालनी थी, पहले बच्चों आपने मुसावात की के की कीमत फाइंड आउट करनी है, फिर आपने इसकी मुसावात बनानी है, मुसावात में जिसकी कीमत मालूम करनी हो बच्चों आपने कीमत दर्ज करनी, तो आसानी से हल हो जाता है, शॉर्ट या लॉन्ग दोनों सूरतों बच्चों आपका आ सकता है, इस तरीके से कर लें, वाई को पहले रख लें एक्स को पहले रख लें, दोनों सूरतों बच्चों आपका ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।